मम्मी गेहूं दाव जातरन गोड़वे कट के जा, देखो खून खून बह रही है। अरे मम्मी देखो थोड़ा सा कटा है यहाँ पर, गीला गीला लग रहा, अंधेरे में पता ही नहीं चला इतना कटा है थोड़ा सा, और उससे इतना खून निकल रहा है। चप्पल भी देखे भीग गए, इतना खून भाई गया हमारे सुमन देखो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किशन गोरखपुरिया में। अभी सो उठ के मुंह भी नहीं धोए हैं, सुबह के बज रहे हैं 6, पापा आके गेहूं काट रहे हैं और हम और सुमन भी आए हैं काटने के लिए। देखो अभी सुबह नहीं हुई है अच्छे से, मतलब हल्का हल्का सुबह हुआ है इसलिए इतना क्लियर दिख नहीं रहा। और देखिए रात में गए थे, इतना सारा आधा खेत काट दिए थे, देखिए इतना गेहूं रात में काटे हैं, बस यही थोड़ा सा है, इतना सुबह काटना है। तो अभी चलते हैं काट लेते हैं, ठीक है। उधर देखो बड़ी मम्मी अकेले काट रही हैं अपना, तो हम भी चल रहे हैं अपना काटेंगे, इतना सा है गेहूं, काट लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में, देखते हैं कब कटता है। 6 बजे आए हैं अभी, तो देख सकते हो फ्रेंड अब हो चुकी है अच्छे से सुबह, सूर्य देवता भी निकल चुके हैं और हमारा गेहूं इतना कट गया है, बस यही थोड़ा सा है, अभी एक लाइन ही काटे हैं हम, देखिए ये वाली। और हाथ सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्या ही होता है, रात में ये सब काटे थे ना इसीलिए, देखिए इतना सारा कट गया, बस यही 2 लाइन और है काटने के लिए, तो चलते हैं काटते हैं। लेकिन हाथ दर्द कर रहा है सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा, देखो पापा और सुमन काट रहे हैं उधर। चलो घरे अब, अंधेरा अंधेरा है, दिख नहीं रही है। तो फ्रेंड देख सकते हो गेहूं काटते काटते अभी हो चुकी है रात और हम लोग जा रहे हैं अब घर पे। आधा खेत काट दिए हैं, आधा और है सुबह काटेंगे। देखो इधर कट रही है गेहूं, पापा पूरा भीग गए इन गर्मी से। चलो घर चलो चलो, तो अभी हम जा रहे हैं घर। देख देख चलो अंधेरा, अंधेरिया हो। तो फाइनली गाइस देख सकते हो पूरा खेत का जो गेहूं था हम सब ने मिलके काट दिया है, देख सकते हो। अभी जा रहे हैं घर, हम भी चल रहे हैं हंसी हंसिया लेकर के, गेहूं काट काट के एकदम से हालत हो गई खराब, ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, फाइनली कट गया, अब शाम को आएंगे बंधन बना के लेके, फिर उसके बाद बांधेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं घर, ब्रश व्रश करेंगे, चाय पानी पियेंगे, आराम करेंगे, ठीक है। तो घर पे आने के बाद में मेरी बिट्टू लाई है गर्मा गर्म खाना बना के मेरे लिए, देख सकते हो इतना सारा लेके आई, इतना भात हम ना खा बिट्टू, आधा लेके जाओ तुम। चाय पानी पी लिए हैं ब्रश व्रश करके और बिट्टू हमारी खाना लाई है मेरे लिए, माँ भी तू लोटी भी लाई है। तो अभी हम ज्यादा खाएंगे, खा के आराम करेंगे, फिर उसके बाद सोएंगे, सोए के उठेंगे, फिर नहाएंगे, उसके बाद फिर खेताड़ी में जाएंगे ना बिट्टू। हाँ। हाँ। नानी का बना रही है, देख हाँ देखो बंधन बना रही है मम्मी पापा, कैसे बना रहे हैं देखो, बना के भी जाएंगे बांधने।
हम लोग जा रहे हैं अपने खेत में बोझा बांधने के लिए, ठीक है? तो चलते हैं बांधते हैं। इतना भयानक धूप हो रही है कि क्या ही बताएं, एकदम हालत खराब हो जाएगी गेहूँ बांध बांध के। देखिए आ चुके हैं अपने खेत में, पापा पहुँच गए, हम भी जा रहे हैं। देख सकते हो गाइस इतना गेहूँ बांध लिए, अभी इतना बांधना है। 3 बजे आए हैं, 3 बजे आए हैं वो, 1 घंटा हो ही गया, इतना बांध लिए हैं अभी, इतना बांधे हुए। हाँ देखिए यहाँ पर रखा है गुड़ और पानी, इसको खा के हम पानी पी लेते हैं। और देख सकते हो आधा खेत बांध चुके हैं अभी, बस आधा और रह गया है। बहुत ही भयानक धूप लग रही है, क्या ही बताएं, हालत एकदम खराब है, देख सकते हो क्या हाल। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हम और पापा मिलकर बोझा बांध रहे हैं। मैंने सुमन को कहा कि सुमन थोड़ा सा मेरा व्लॉग शूट कर दो, किस तरह से बांध रहे हैं गेहूं, हम भी दिखे थोड़ा, क्योंकि हम ही वीडियो शूट कर रहे हैं तो हम दिख ही नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब काम कर ले रहे हैं तभी शूट कर पा रहे हैं। तो मैंने सुमन को बोला थोड़ा शूट कर दो। देखिए पूरा खेत में गेहूँ बंध चुका है, बस यही लास्ट वाला बचा था तो वही हम और पापा बांध रहे थे। देखिए इसलिए मैंने हाथ हिला दिया था ताकि पता चले कि हाँ मैं ही हूँ, क्योंकि मुंह मैंने बांधा है ना धूप की वजह से, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया था कि देखिए अभी हम बांध रहे हैं बोझा। देख सकते हो पापा की बूसट पहने और बहुत ही तेजी से धूप हो रहा था, क्या ही होता है, इसीलिए ऐसे बांध के बांध रहे हैं गेहूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है खेत, यहाँ बिट्टू पानी लेके आ रही है, अनन्या और बिट्टू। फ्रेंड फाइनली बोझ सारा बंधा गया है मनौरी के खाले वाला, अब उसको उठा उठा के बड़े वाले खेत में लेके आ रहे हैं। देखिए यही बोझा ला के अभी यहाँ पर पटके हैं हम, तो जितना भी खाले गेहूँ है बोझा सब ढो ढो के यहीं पर इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में फिर गेहूँ दाया जाएगा, ठीक है? तो अभी जितने भी बोझ है यहाँ के और खाले वाले खेत के और छोटे वाले खेत का, सभी का इकट्ठा किया जाएगा, यहीं पर रखा जाएगा, उसके बाद दाया जाएगा, ठीक है? तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ से ढो ढो के लाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, सारा बोझ इकट्ठा करेंगे, ठीक है? तो अभी जा रहे हैं करने, ब्लॉगिंग करने वाला कोई है नहीं, हम ही थोड़ा बहुत जो शूट कर पा रहे हैं सो कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी सारा बोझ इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि गेहूँ आज दाया जाता है कि नहीं। वैसे ट्रैक्टर मिलने की कोई संभावना है नहीं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड पापा मनौरी के खाले से बोझा लेकर के आ रहे हैं और साथ में ट्रैक्टर भी आ रहा है, अभी यहाँ पर जा रहा है दाने के लिए। तो देखिए यहाँ है पापा और उधर है सुमन और हम लाके यहाँ पर बोझा रखे हैं। देखो सबसे मुश्किल काम है बोझे को उतना दूर से लेके आना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, ला ला के यहाँ पर सब ढो ढो के रख रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। देख सकते हैं इतना गेहूँ मनौरी खाले वाला है, देखो सुमन लेके आई, ले जा रही है रखने के लिए, ये इधर पटकेगी गम। अभी इतना सारा बोझा सब इकट्ठा करना है, उस वाले खेत से भी लेके आना है, यहाँ पर दादा और दादी बैठे हैं, देखो इधर ट्रैक्टर जा रही है गेहूँ दाने के लिए। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 8 और ट्रैक्टर अब जाके आया है, तो अभी सभी लोग खेत में गए हैं गेहूँ दबाने के लिए, हम भी चल रहे हैं, खाना वाना खा के आराम कर लिए हैं, तो रात के टाइम गेहूँ दबा रहा है हमारा, ठीक है?
चलते हैं खेत में। अरे मम्मी गेहूं दाव जातरन गोड़वे कट गए जा, देखो खून खून बह रही है। अरे मम्मी देखो थोड़ा सा कटा है यहाँ पर, गीला गीला लग रहा, अंधेरे में पता ही नहीं चला इतना कटा है थोड़ा सा, और उससे इतना खून निकल रहा है। चप्पल भी देखे भीग गए, इतना खून बह गया मार सुमन देखो। फ्रेंड गेहूं की कटाई दवाई कराने के बाद अब फाइनली जा रहे हैं अपने घर बस्ती से गोरखपुर, ठीक है। तो अभी घर से निकल लिए हैं, सुबह के बज रहे हैं 8, तो अभी हम निकल लिए हैं, चल रहे हैं स्टेशन पर। देखिए बस्ती पहुंच भी गए हैं, दिखाते हैं आप सबको। तो बिट्टू को, बिट्टू के मामा पवन उसको कंधे पे बैठा के लेके जा रहा है, देख सकते हैं। बस्ती स्टेशन पर है अभी हम, यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे जाएंगे गोरखपुर। इधर आओ इधर 3 नंबर पे, ए पवन इधर इधर चलो।